बैंकन में कभी रोती नहीं थी, आज मेरे आंसू आ गए। कैसा लग रहा है आप अमेरिका से आए हैं हमारे व्लॉग में? तेल निकल गया यार मेरा। तेल निकल गया, तेल खत्म हो गया। यहाँ पर कोई फैमिली फोटो शूट हो रहा है, सबसे बड़े हमारे बुबू। ये तो बदनामी कर दी, खुद को क्या समझ रहे हो हीरोइन कहीं के? मैं तो हीरोइन हुई हूँ, क्या कर सकती हूँ। किसकी हीरोइन हो आप? शेखर की। काफी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि ये बहुत सुंदर है दिखने की, इनकी आवाज अच्छी दिखा दे रहा है। ये गलत फैमिली किसको हुई? साइड में पहले पार्टी, इसलिए तो पार्टी होगी, गाड़ी पार्टी। तो कैसा लग रहा है आपको मेरे व्लॉग में आके, कहाँ चिता रहे हो? इतना सुंदर मिठाई का डिब्बा है यार दोस्तों, इसके अंदर कैसी मिठाई नहीं होगी। मैं थोड़ा लेट हो गई यार। तो दोस्तों मैं पहुँच चुकी हूँ अपने घर पे अभी, और घर आके मैंने सबको चाय पिला दी है, खुद भी अभी कॉफी पी रही हूँ। सबको चाय पिला के मैं कॉफी पी रही हूँ। तो अभी सबसे मिलाते हैं आपको, आती जितने भी लोग थे सभी लोग आए हैं। फिर कुछ सुबह से आ गए थे, मैं थोड़ा आज बहन के घर थी तो नहीं हो पाई उनसे मुलाकात मेरी। जितने लोग यहाँ आए हैं उनसे तो मिलाऊंगी आपको। मेरी बुआ लोग आई हैं और मामा बुबू सब लोग आए हैं। मिठाई का इतना शानदार डिब्बा है और इसके अंदर मिठाई देखो, ये क्या है यार, ये मिठाई है क्या इसके अंदर? ये बिस्किट मट नहीं भर रही है ना, खाली मिठाई डब यार बेटे दी हूँ ना, कितनी सुंदर। इतना सुंदर मिठाई का डिब्बा है यार दोस्तों, इसके अंदर कैसी मिठाई नहीं होगी। मैं थोड़ा लेट हो गई यार, थोड़ा जल्दी पहुंचे तो खाने को तो मिलता, अब तो खत्म ही हो गई है। मैं झूठा मूठा नहीं खाती हूँ। इतनी सेवा करी मेरे को नहीं पहचान रहा तू? वही जा लाइका, मेरे को पहचाना तूने? रोज रोज मैं ही तो देती थी खाना तेरे को सुबह शाम, देखो ऐसा ही होता है। मालिक के पास जाके मुझे भूल गया, अब असली मालकिन तो ये है। नहीं, खिलाने पिलाने वाले की ज्यादा इज्जत होनी चाहिए ना। चल हमारे घर आएगा। ये हमारी रतनपुर की जेठानी जी, मुझसे बड़ी जेठानी, ये आई थी अम्मा से मिलने। तो कैसा लग रहा है आपको मेरे ब्लॉग में आके, कहाँ चिता रहे हो? बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बहुत बहुत टाइम पहले हमारे गांव आए थे, पहाड़ भी हमें बहुत अच्छा लगा, और अभी इनसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। हमसे क्यों नहीं पूछा आपको हमारे शहर में कैसा लगा? हमारे गांव में कैसा लग रहा है आपको शहर में? लेके गए अपने गांव? आए क्यों नहीं तू गांव में? खुद ही यहाँ पहुँच गए, मुझसे बोल क्यों नहीं आए? नेक्स्ट मंथ आना, वाह मैं जरूर आऊंगी। टाइम नहीं आपसे मिलने का, वही जा। देखो भाई ये जेठानी, ऐसा भी मत कहो यार, आप इनकी इतनी दूर से छोड़ छाड़ के आई हो, क्या नाम है इनके काम को, लाइक और सब्सक्राइब कर दो बस, बाय। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। ये सेकंड खाती जी, ये कौन हुए आप, अपना परिचय देंगे? ये बुआ है वैसे, लेकिन मैं इनसे आज पहली बार मिली हूँ। कहाँ से बुआ हुए? कहाँ की बुआ हो बताओ ना, बता दे। चाँदपुर वाली बुआ है ये, और सूरजपुर दिखा देना बाद में। तो इनसे भी आज मुलाकात हो गई। क्या आप हमारे कैमरे में नहीं आना चाहते हैं? क्या आप शर्मा रहे हैं? इसको कहाँ ले जा रहे हो भाई बाबर की अम्मा? इनका ले जा रही हूँ। अरे ये तो बुआ लोगों का है ना, तो भी मिलते हैं जल्दी। निमंत्रण कहोगे तो शादी में आऊंगी। इनकी शादी है, ये इनकी शादी है, यही कजन कजन 24 वाली है आपकी? 21st वाली, 24 वाली वो ज्योति थी, पहली थी ना, 21st वाली आपकी है। इनकी शादी में जाएंगे, फिर उनकी शादी में जाएंगे, हमने फुल प्लानिंग कर रखी है। तो शादी की बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद भाभी, आपको भी एनिवर्सरी की बधाई। अरे हाँ, आज मेरी एनिवर्सरी भी है, मैं तो भूल ही गई थी यार। भाभी को पार्टी कराना पड़ेगा करके। अरे यही रहो, मैं तो कह रही हूँ यही रहो, मैं तो कह रही हूँ छोड़ना जरूरी है ना। नहीं तो आप कहाँ रहते हो? ड्यूरी तो ये कहाँ रहती है? मम्मी है वो मेरी, तुम ये साथ में रहते हो ना, तो साथ ही तो घर जाओगे फिर। अभी शादी नहीं हुई है, गाय भैंस पाले हैं? नहीं बकरियां हैं। जल्दी आपसे एक महीने बाद, मुझे ऐसा सदमा लग रहा है, इनकी शादी है उनकी, तो मेरे को 12th की बच्ची भी छोटी लग रही है। इसको भी पहली बार, ओह माय गॉड, बुआ को आज पहली बार देखा, ये तो फेमस मशहूर हो गई है, इसको पहली बार देखा बोले यार। चलो बाय बाय। स्कूटी चलाना सीख दिया आपने? यार सब सीख गया यार, मैं सिखा दी नू, एक महीने बाद आऊंगी, भी सिखा दोगे? नहीं जरूर जाइए फिर, पेट्रोल डालोगे तो तभी सिखा पाऊंगी। ये जेठानी देखो यार मेरी, अभी से आए नहीं तुम, बल खुद यहाँ पहुँचे मेरे से, बल आए नहीं तुम। जेठानी इनकी भी आई है इधर, ये अम्मा की। गाइस तो ये तो बहुत प्यारी है, ये तो पहाड़ आने की सोच रही है। चप्पल पहन ले, अब घर जा रहे हैं, जा।
चलो फिर यार जाओ, अपने घर तो बुलाया नहीं, बस आना आना कह कह के आना। रुको रुको उसको बैठने दो पहले, दोनों हाथ से पकड़े रहना। अम्मा भी तो जाएंगी ताई जी, मिन्नू पा बैठ जल्दी, ये फोटो तो खींचो तुम्हारा दिखड़ा यादगारी को खींची ना दिला फोटो। राजी ताऊ जी थे जो हमारे, जो कल तक हमारे लिए आ रहे थे, उनकी वाइफ ताई जी हमारी है, कहाँ वाले, रतनपुर वाले, ठीक है, इनसे भी आज मिल लो आप। अब पता नहीं कब भेंट होगी हमारी, है ना। हेलो बोल दो, हेलो हेलो ऐसे बोलो, हेलो दोस्तों। चलो मिल लेती रही का आया कब पहाड़ बैठ पा। हां ठीक छे, आप जब हुकुम बोलो भगवान उनको, हुकुम बोल की मैं उमा कुमरी हुकुम मेरी हो, मैं पुणे रही हूं, ये ढूंढ हुकुम की हूं। बाय बाय जाओ, इसको देखो आपको छोड़ नहीं रही है। ये हमारी गीता बुआ जी हैं दोस्तों, इनका लाइका इनको परेशान कर रहा है। इसको आप माइका भेज दो, माइका लाइका को माया ठहराए। कैसा लग रहा है, पहली बार हमारे व्लॉग में आए हैं आप? अच्छा लग रहा है, हम तो देखते हैं तेरा व्लॉग। देखते हो पक्का? खाना खाने टाइम यही तो होता है इसका। अच्छा बनाते टाइम रोटी देखिए। यहाँ पर कोई फैमिली फोटो शूट हो रहा है, सबसे बड़े हमारे बूबू, फिर छोटे बूबू, बाकी मेरी सारी बुआएं, सारी नहीं आई हैं, तीन चार ही आई हैं, और ये हमारे ससुर जी। खींच दी फोटो, हाँ खींचो खींचो, अब अम्मा जी के साथ खींच रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी बुआ धना बुआ, कैसा लग रहा है आप अमेरिका से आए हैं हमारे व्लॉग में? तेल निकल गया यार मेरा। तेल निकल गया, तेल खत्म हो गया। और ये संगीता बुआ, कैसा चिता रहे हो? बढ़िया। कैसा लग रहा है हमारे व्लॉग में? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और ये फूफा जी हमारे, मेरे से तो एक बार भी नहीं पूछा यार आपने, मोहल्ले वाले। आप तो रोज ही मेरे व्लॉग में ही होते हो, अभी जाने की तैयारी कर रहे हैं। कभी हमारे पहाड़ की ओर भी आना बुआ लोगो, तो ये कह रही हूँ हमारे पहाड़ की ओर भी आना, भूल ही गए आप तो हमें। कब आओगे फिर पहाड़? मेल मिलाप हो रहा है दोस्तों यहाँ पे, मेल मिलाप, विदाई। पहाड़ कब आएंगे? आ जाऊंगी बहुत जल्दी। कब आओगे? उसके बाद पहाड़ का ही टर्न है। अब तो जा ही रहे हो अमेरिका की ओर, उसके बाद कभी पहाड़ों को भी याद कर लो। अरे पहाड़ का तो पूरा प्लान ही बनाया था, अब क्या कर सकते हैं। कब आओगे फिर? अब पहाड़ पूजा पाठ में जरूर आना, पूरा प्लान बनाया था पूजा पाठ का। अब अगली छुट्टियों पक्का आना हमारे पहाड़। बहुत इमोशनल हो गए दोस्तों, बैठ जाओ बैठ जाओ। जाएंगे अब हमारे पहाड़ तो भूल ही गए आप। पहाड़ हम आने वाले हैं। कब आएंगे? अगले साल, अभी सितंबर अक्टूबर। फिर एक साल का इंतजार करना पड़ेगा आपसे, आपसे मिलने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अरे सर जी आ गए आप, हमारे फूफा जी हैं ये। कैसा चिता रहे हमारे ब्लॉग में? बहुत बढ़िया, आज पहली बार आए हैं। सब चले गए यार रुला के, बैंकन में कभी रोती नहीं थी, आज मेरे आंसू आ गए। मैं रोती हूँ लेकिन मैं जाहिर नहीं करती ना, अभी मेरे सच्ची में ही आंसू आ गए हैं। तो अब चलते हैं घर की ओर, हवा चल रही है भयंकर वाली। तुम तो रो भी नहीं रहे, तुम्हारी दीदियाँ गई, तुम रो। मैं साइड में रोती हूँ, सामने नहीं रोती हूँ। मेरा भी ऐसा ही हो रहा था, मैंने कहा मैं नहीं रोऊंगी, लेकिन हो ही जाता है यार। रुचि कोई बात नहीं, सब चले गए यार छोड़ के, ऐसा ही होता है ना दोस्तों। मैं आई तो यहाँ बारिश आने वाली है यार, हैं? क्या आपने हमें याद नहीं किया दो दिन? करो ना। कैसी बुआ है यार ये, मेरी याद भी नहीं करती है मुझे। कल पप्पा जी से बोल रही थी, पप्पा जी कि मुझे जेब में कुछ मिल गया। दोस्तों किसने डाला तुम्हारे जेब में? जेब में डाला मेरी दीदी ने। ऐसा ऐसा क्यों नहीं करा दीदी? ना ना ना, मुझे नहीं चाहिए, फिर हाथ से ऐसा ऐसा करते ना। लो यार तुम्हारे रुपए क्या ही ले जाऊं मैं, गरीब आदमी। मैं कल पप्पा जी से बोल रही थी क्या कि क्या बोल रहे थे, गीता आएगी उसका खाना बहुत टेस्टी, पूछना भी कौन सी
ये साइड में पहले पार्टी इसलिए तो पार्टी होगी काहे की पार्टी ये नहीं होगी पार्टी जाओ रे केक लेके आओ मैं 500 का नोट दे रही हूं मैं तुम्हें क्यों नहीं मैं ही जाऊं मेरा कल पेपर है मेरी यहां पट्टी ओ यार तुम गरीब हो क्या ऐसे मेरा तुमने कभी कहना मैं वहां पार्टी छोड़ के आई हूं इधर ठीक है मेरी कितनी खातिरदारी होती है उधर और यहां पे अब बस पार्टी कराओ तुमने करना मुझे सरप्राइज देना चाहिए था ना घर आते ही बढ़िया डेकोरेट करे रहते एकदम केक वेक रखे रहते मैं कार्ड करा के ना अब पैटी के रहो चलो जाते हैं कहीं बाजार जाते चौमिन वोमिन खा के आएंगे गरीबों किसमें जाएंगे टुक टुक में गरीब हो क्या करूँ हैप्पी एनिवर्सरी अभी आके कह रही हैप्पी एनिवर्सरी ये हमारी भावर की अम्मा थैंक यू सो मच मुझे ज्यादा मीठा पसंद नहीं है मैं छोटा सा ले लूंगी वही बर्फी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है नहीं आप खाओ हैप्पी एनिवर्सरी मेरी तरफ से चलो खाओ आओ रे सब एनिवर्सरी मीठा खाला आओ तमरा उबर चियो तो दोस्तों आज इनकी सारी बहनें चली गई हैं यानी कि हमारी बड़ी बुआ जियाँ तो गम में इनको नींद भी ना आ रही है तो देखो चैटिंग कर रही है पता नहीं किसके साथ कर रही है हैं मैं सर के साथ कर रही हूँ सर के साथ चैटिंग देखो आजकल की लड़कियाँ हम लोग अपने सर के अभी तक भी करीब नहीं जा पाते हैं प्रणाम बोलने के लिए सवाल पूछ रही हूँ बेचारे सर बता रहे हैं मेरे को सवाल का उत्तर और ये आजकल के बच्चे देखो ये फोन में ऐसे लगे रहते हैं रात दिन कुछ काम धाम नहीं है इन लोगों का और हम लोग पहला को नकले सर प्रणाम नमस्कार गुड मॉर्निंग कहने के लिए भी अभी तक भी सामने जाने में डरते हैं ये देखो नवल सर रिप्लाई करो यार आप करो कैसा लग रहा है फिर आपको हमारे व्लॉग में कैसा चिता रही हैं आप बढ़िया चिता रहे हैं बस खुश हो रखे हैं बहुत काम पेपर है गम भी है सब चल रहा है गम है देखो फोन तभी तो हाथ में है ये गम बात है और क्या कहना चाहेंगी आप कुछ कहना चाहेंगी क्या कहें अब कुछ कह ही नहीं पा रहे इतना गम हो गया है इतनी सुंदर है देखो दोस्तों कोई तो ले जाओ इन्हें ज्यादा ही निगजी दांत देखो कितने प्यारे से हैं टेढ़े अंदर घुसे चूहे के जैसे किसी को पसंद नहीं आएंगे काफी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि ये बहुत सुंदर है दिखने की इनकी आवाज अच्छी दिखा रहा है ये गलत फैमिली किसको हो गई गलत फैमिली दांत तो अच्छे हैं यार गलत फैमिली दांत तो अच्छे हैं गलत फैमिली नहीं गलत फैमिली थोती है दांत अंदर गए यार मेरे दिल लोग के अच्छे हैं दांत कहाँ गए अंदर प्लेन यहाँ ये वाले ये तो अंदर ही है नीचे वाले दांत अंदर है ज्यादा हाँ ये दिखते तो यही है वैसे ये तो खरगोश वाले होते हैं और माथा देखो इनका कितना चौड़ा है ये अरे किस्मत वाले हैं यार माथा चौड़ा है हमारा ये तो बदनामी कर दी खुद को क्या समझ रहे हो हीरोइन कहीं के मैं तो हीरोइन हुई हूँ क्या कर सकती हूँ किसकी हीरोइन हो आप शेखर की अच्छा बापाओ कि तू शर्मा रहे तो बापाओ कि तू शर्मा रहे बाड़े बोलन उन्हें बोलन तो चाहिए ना उसके ये तो पूरी बाड़े सेकंड पढ़ल पढ़ो सीखो बे कि हिंदी बोल पर है जलो तुम्हारे पूर ओ हिंदी इंग्लिश ऊंचे पहाड़ में आलत आम बूम में बोलने हिंदी में जा 18 साल की हो गई हूँ दुई बार आ रखी हूँ अब की किचन पड़े पहाड़ी बढ़िया तुम्हारी बेटे करो तुम्हारी चिंता ना करो को करो को बेटा कर लो को जनवरी पहाड़ है मैंने जो कहे तो ले लो कोई तो बोलो वहाँ कि पत तो बेंगलोर वाले मिल जाओ जब बेंगलोर जन जरूरी होना है ये गर्मी है तो पहाड़ निकली गई बेंगलोर का मौसम भाई मॉडरेट है कुछ नहीं है जितना पिथौरागढ़ गया उतना कहीं का नहीं है पहले ये बताओ क्या खुद को क्या समझ रही हो तुम मैं तो हीरोइन हूँ नंबर वन हूँ मैं दुनिया की हो गया सब लोग मुझे पसंद करते हैं कर लिए मजाक मजाक नहीं सही बोल रही हूँ बस बस तो दोस्तों बुआ लोग आए थे थोड़ी देर के लिए आए थे वो और बिस्तर में देखो ऐसे पड़ी हुई है ये हाल देखो वो लोग चली गई है तो बहुत बुरा लग रहा है सारी बुआएं नहीं आई थी दो तीन बुआएं आई थी सुधा बुआ पहले चली गई है और बाकी दो तीन बुआएं आई थी आज आम लोगों से मिलने के लिए और हमसे भी मिली आज पहली बार मेरी मुलाकात उनसे हुई तो काफ़ी अच्छी हैं सभी बुआएं अभी एक दो बुआ से मिलना रह गया है फिर कभी ऐसे ही मौके में शादी वादी या कुछ फंक्शन होगा तो उनसे मिलने ज़रूर आएंगे या वो भी क्या पता पहाड़ की ओर आ जाएं नहीं आएंगे तो हम ही आ जाएंगे शहर की ओर कब आओगे इसी बहाने से मुलाकात हो जाएगी कब मिलोगे आऊँगी कभी ना कभी ऐसी आऊँगी ये या हॉस्पिटल जाना होगा तब आऊँगी या किसी की शादी होगी तब आऊँगी या किसी का कुछ फंक्शन होगा तब आऊँगी शहरों की ओर आना इसी यही मतलब हुआ कि शहरों की ओर आने का हमारा मेरा भी गांव ही है यार शहर बना दिया तुमने तो खाली टाइम पे शहर आना ज़्यादा ज़रूरी नहीं मानते हम तो कुछ काम होता तभी आना पड़ता है शहरों की ओर तभी हमारे रिश्तेदारों से पाला भी पड़ता है तो दोस्तों बहुत अच्छे हैं यार हमारे भावर के बू उनकी फैमिली उनके बुआएं सब अच्छी लगे मुझे
खुद अच्छा हो तो लोग भी अच्छे लगते हैं ना। अच्छा आपने तारीफ करनी मतलब ड्यूटी जरूरी हुई हो। और अब सो जाते हैं यार दोस्तों, रात बहुत हो गई है, सब सो गए हैं, हम दो ही हैं बस अभी तक जगे हुए। तो मिलते हैं बढ़िया सी वीडियो के साथ कल को, अभी दो चार दिन यही हूँ मैं और फिर जाऊँगी आराम से घर, घर जाके भी क्या ही करना है मुझे अभी से ना। तो मिलते हैं बढ़िया सी वीडियो के साथ कल को, तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहो मस्त रहो, मुझे देखते रहो ऐसे ही प्यार बनाए रहो, बाय बाय।